आप भी एमएसएमई पर बहुत पैनी नजर रखते हैं विजय भाई, और यहाँ पर ये 1 करोड़ इंटर्न्स भाई होना चाहिए, ये चीजें हो जाए, पर उसका रोड मैप कोई तैयार होता दिखा, या मैं स्वामी अय्यर की बात मान लूं, वो जो उद्योगपति टॉप होनचोज ने कह रहे हैं हम तो 1 को भी नहीं देंगे इंटर्नशिप, तो ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं क्या रोजगार के नाम पर? संदीप जी, सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि आज जो कंपनियां हैं, आज जो मार्केट में स्थिति है, पहले उसको तो स्टडी करो कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। आप नई इन्वेस्टमेंट, नई चीजों की बात कर रहे हो, जो ऑलरेडी है वो दुखी है, उसका इलाज करोगे नहीं। जिसके पास पैसा है, एक्सपीरियंस है, वो आप नए वाले से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, अच्छा कर सकता है, उसको पता है क्या स्किल चाहिए, उसका आप ध्यान नहीं रख रहे। जिसे कहते हैं ना, वन इज गुड इन हैंड देन टू इन बुश। हमारे साथ आज स्थिति ये हो गई। मैं आपको 3-4 उदाहरण दे रहा हूं जो आपने अभी तक चर्चा करी है, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। इस समय सबसे बड़ी बात जो बार बार मुद्दा आ रहा था कि साहब हरियाणा का चुनाव, हरियाणा में बेरोजगारी है, पंजाब में बेरोजगारी है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। देखिए, जब से हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ और पंजाब में किसान आंदोलन, मैं पिछले 4 दिन में कम से कम, अगर मैं पिछले 10 दिन की बात करूं तो मैं कम से कम 4,000 इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री के लोगों के बीच में था, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। हरियाणा पंजाब का कोई इन्वेस्टर नाम ही नहीं लेता है, फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट। जब प्लानिंग की बात आती है, वो दोनों स्टेट गायब है लोगों के दिमाग से। एक बात हमारे पॉलिटिशियन और किसान नेताओं को समझनी होगी कि दंगा प्रदर्शन आप करोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। दंगा प्रदर्शन कोई बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेना मैं चाहता। पहली आपके इस शब्द पर एतराज दर्ज करा रहा हूं। दिल्ली का घेराव किया आपने, वहां पे टावर तोड़े, 750 किसानों की मौत हुई, किस आम आदमी की मौत हुई उसमें, दंगा कैसे हुआ? यार देखो संदीप जी, मैं जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, आप मैं शब्द पर एतराज दर्ज करा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक बात सुनिए, आप जाके टावर तोड़ रहे, लोगों के गोडाउन के आगे जाके आप बैठ गए, आने नहीं दिया, बसों के टायर निकाल दिए। देखो, बिजनेसमैन बहुत सेंसिटिव होता है। अच्छा, वो मूर्ख नहीं होता। सरकार को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। 160 कंट्री बुला रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो यार, प्लीज। मैं वो बता रहा हूँ जो हकीकत है, आप उसको जस्टिफाई करते रहो, सही है या गलत है वो आपका काम है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो आपका सोच है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, खत्म हो गई बात। पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देना होगा। ये जो राजनीति के नाम पे जो अफरा तफरी होती है, मिसमैनेजमेंट होता है, इससे इन्वेस्टर भागता है, पहली बात। दूसरा, इस समय आपने कहा कि खेती के अंदर कमाई नहीं है। अब भारत सरकार की कस्टम पॉलिसी उठा के देख लीजिए। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि हम तिलहन में पैदावार बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ कस्टम ड्यूटी 0 है। मैं भारत के किसान से क्यों खरीदूंगा यार, जब मेरे को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता मिल रहा है। मैं व्यापारी हूं, मुझे आपकी नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है। आप करते रहिए, आपकी मजबूरी क्या हो गई? एक तरफ आपको करना है इन्फ्लेशन कंट्रोल, देश में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन MSP बढ़ रहा है, कंज्यूमर कहता है महंगाई बढ़ रही है कम करो, तो आयात चालू कर दो, महंगाई कम हो गई। किसान कहता है रेट नहीं मिल रहा, इसका कोई अंत नहीं है। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं संदीप जी, आने वाले दिनों में झगड़े बढ़ेंगे। विजय भाई, इंटर्नशिप को लेकर भी रोड मैप कुछ बनाया नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस से बात नहीं की, इंटर्नशिप की घोषणा हो जाती है। हाँ प्लीज, 30 सेकंड्स है। हाँ हाँ, मैं मिला बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, उनसे मैंने एक ही चीज पूछी कि भैया एक्सपेंशन का क्या सोच रहे हो? कहता है सर मार्केट बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन करप्शन इतना है कि हम परेशान हो गए। अब वो बताइए कि वो अपना बिजनेस बढ़ाए या आपके इंस्पेक्टरों को मैनेज करे? जब वो अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहा, आप स्थिति ये देख लीजिए कि रॉ मेटेरियल लोग ढो के साउथ इंडिया से नॉर्थ ला रहे हैं, नॉर्थ से साउथ लेके जा रहे हैं, साउथ में दूसरी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, नॉर्थ में दूसरी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, बिकॉज ऑफ करप्शन बाय इंस्पेक्टर्स। तो विजय भाई, और ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, अभी चुनावी सीजन शुरू हुआ है। जो आप कह रहे हैं, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड, कुछ कड़वी बातें भी जो आप कह रहे हैं,
ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप देकर आपको लगता है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, या सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए लागू होता है? और असल मुद्दों को अगर हम डक करते रहेंगे, यहां पर कह रहे थे कि कोई हरियाणा या पंजाब में पैसे लगाने को तैयार नहीं। विजय भाई, सिक्के का एक और पहलू यह भी है कि भारतीय बड़े उद्योगपति भी दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ मनी, पर वो भारत में ही निवेश करने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा या पंजाब की बात नहीं है, पर यह मुद्दा ऐसा है, हम इसे आगे भी बढ़ाने वाले हैं। ABP News आपको रखे आगे।